मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ती यातायात समस्या तथा निर्भरता को कम करने के लिए राज्य सरकार राज्य मार्गों और अन्य रैपिड ट्रांसपोर्टेशन परियोजनाओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए राज्य मार्गों, मोनोरेल, पॉडकार, एक्सलेटर आदि आधुनिक परिवहन विकल्पों की पहचान करने के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। यह निगम इस संबंध में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे पर्यटन महत्व के स्थलों में यातायात की वैकल्पिक व्यवस्थाओं की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्ग न केवल एक सशक्त व्यापक परिवहन प्रणाली है अपितु यह कुशल और पर्यावरण मित्र कम लागत वाली परिवहन प्रणाली भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के उपक्रम बैपकोस लिमिटेड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शिमला, मनाली और धर्मशाला शहरों के लिए प्रारंभिक योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार डीपीआर बनाई जाएगी तथा इस वर्ष नवंबर माह तक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस बैठक में जानकारी दी गई कि बगलामुखी मंदिर के लिए एक रज्जू मार्ग के प्रमोटर की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई है तथा न्यूगल रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। पीआर टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।